हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने गार्डनिंग के लिए मंगवाया है। और अब क्योंकि अब मैंने धीरे धीरे प्लांट्स थोड़े बढ़ाए हैं और थोड़ा सा केयर करना सीखा है और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ गार्डनिंग को लेके, तो ये जो कोकोपीट है ये 5 kg का है। और जो कोकोपीट है उसका एक प्लस पॉइंट ये है, और या फिर मैं बोलूं कि अगर फर्स्ट टाइम कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये अपने साइज़ से 4 to 5 गुना बढ़ता है। तो ऑलरेडी जो मेरे पास प्लांट हैं उनमें मिक्स था और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी, बट कुछ और प्लांट्स मैंने ऐड करने सोचे इनडोर के लिए, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये मंगवाया है। और पूरा नहीं यूज़ करने वाली हूँ मैं, क्योंकि कुछ ही प्लांट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर जितना मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर अच्छे से ले लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ही चाहिए था, पूरा नहीं यूज़ करना था, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। लेकिन आप अगर पूरा 5 kg का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पूरे डिप करके इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं, फिर तो वैसे ही पानी में ब्रेक हो जाता है, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है। सो जो कोकोपीट था उसको कम से कम 4 to 5 hours के लिए आपको पानी में डिप रहने देना है। उसके बाद इनको अच्छे से निचोड़ के आपको सुखा लेना है, और जो लास्ट में आपका जो भी पानी बचता है ना उसको डिस्कार्ड कर दें। तो बस मैं यहाँ पे इसको अच्छे से धूप में अच्छे से ड्राई होने दूँगी पहले। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोकोपीट मंगाया, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ये जो प्रोडक्ट जहाँ से मैंने मंगवाया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हो, बट मुझे इसकी क्वालिटी फ़िलहाल बहुत अच्छी लगी है। तो इस तरीके से मैं इसको ड्राई कर लूँगी, पूरा यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं, तो उस हिसाब से बाकी को मैं, आप चाहें तो किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया है, उसमें मैं स्टोर करूँगी ताकि आगे और प्लांट्स आएँ तो उनमें मैं बना सकूँ। तो ये जो कोकोपीट है ये आपको हाफ लेना होता है, जैसे गार्डन सॉइल और कोकोपीट, उसके बाद आप जो भी चाहें काऊ डंग जितना चाहे वो मिक्स कर सकते हैं, बट कोकोपीट बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से मेरे को जितना ज़रूरत था इंडोर प्लांट के लिए वो मैंने रेडी कर लिया, और बाकी को मैंने रख दिया है। इंडोर प्लांट है और प्रॉपर क्लीनिंग ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे करती हूँ, तो बस इसको नॉर्मली आपको इस तरीके से होल्ड करना है, पहले वेट करना है और क्लीन करना है। तो अब ये सब रेडी हो गया, अब मैं इनको इनकी जगह पे जहाँ पे ये और सुंदर लगे, मेरे घर को थोड़ा और सुंदर बनाए, वहाँ पे मैं इनको प्लेस करूँगी। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।